Friends and dear listeners, this is Deepak Singhal on the behalf of Eureka Academy GTP Nagar. I am presenting you the February month current affairs. Namaskar dosto aur mere pyare listeners, main Deepak Singhal GTP Nagar Eureka Academy ke behalf par aaj February month ke current affairs lekar aaya hu. Aaiye baat karte hain pehla current affair. The government of Odisha has launched Kalia Chhatravruti scholarship for the children of farmers. The scholarship is under the Kalia Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation, which is a scheme for financing the farmers in Odisha. जैसे कि जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स में मैंने कालिया योजना के बारे में बात करी है, उसी योजना के अंतर्गत यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम उड़ीसा सरकार लेके आती है, जिसका नाम है कालिया छत्रभूति स्कॉलरशिप प्रोग्राम. यह उड़ीसा सरकार की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें फार्मर्स किसानों के बच्चों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उड़ीसा सरकार का. अगली बात करेंगे तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड आवर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी. द पॉलिसी एम्स टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM. By encouraging and driving capabilities in the country for developing the core components, including the chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally. अभी भारत की कैबिनेट ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को पारित किया है. इस नीति के अनुसार भारत को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ग्लोबल हब बनाने की बात कही गई है, जिसके सहारे से चिपसेट और महत्वपूर्ण सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भारत खुद ही प्रोड्यूस करेगा. भारत की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019. नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बात करेंगे तो यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती मेनका संजय गांधी लॉन्च्ड द इन्वेस्टिगेटिंग ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस and safe city implementation monitoring portal as a part of women safety initiative. Please इसको ध्यान से सुनिए. भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने IDSSO नाम की ऐप जारी करी है. यह ऐप इन्वेस्टिगेट करेगी और ट्रैक करेगी सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस को. इसके साथ इस ऐप को महिलाओं की सुरक्षा को फोकस करते हुए भारत की सरकार, भारत के गृह मंत्री एवं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक साथ लॉन्च किया. आगे बात करेंगे ERSS. ERSS, जिसकी फुल फॉर्म होती है द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम. अभी भारत में जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं, जैसे कि पुलिस सहायता 100, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, महिला हेल्पलाइन, उन सभी हेल्पलाइन के लिए भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली अलग अलग नंबर है, मगर ERSS सिस्टम के सहायता से अब एक ही नंबर सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि है 112. द हेल्पलाइन नंबर 112 विच वॉज अर्लियर लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड नाउ हैज बीन लॉन्च इन 16 स्टेट्स एंड यूटी बाय द होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह. यह सेवा जो इससे पहले सिर्फ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्य में थी, अब भारत के गृह मंत्रालय द्वारा इसको 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी लॉन्च किया गया है. आगे बात करेंगे द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस. प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1935 इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल एंड एकेडमिक बॉडी
of Indian historians with over 10,000 members. With over 10,000 members. भारतीय ऐतिहासिक कांग्रेस जिसकी स्थापना 1935 में की गई, ये पूरे भारत की सबसे बड़ी व्यवसायिक एवं शैक्षिक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर भारत के सभी इतिहासकार, जिसकी संख्या ओवर 10,000 है, जो भारत में प्राचीन भारत, मध्य भारत, मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज अदर देन इंडिया एंड इंडियन आर्कियोलॉजी, पांच टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो पांच टॉपिक दोबारा से पढ़ते हैं। पहला है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। दूसरा मिडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज अदर देन इंडिया, उन सभी देशों के इतिहास जो भारत से परे हैं। एवं आखिरी टॉपिक इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व। इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी हाल ही में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस IHC, अभी हाल ही में ISC की 79th मीटिंग ऑफ ISC इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की जो तारीख है वो फाइनल कर दी गई है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की तारीख 26 फरवरी को ये मीटिंग मध्य प्रदेश में होगी। 26 फरवरी को ये मीटिंग मध्य प्रदेश में होगी। मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। द कॉम्प्लेक्स वुड बी नेम्ड आफ्टर दीनदयाल उपाध्याय एज दीनदयाल अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन। The complex will provide the better accessibility to the artisans coming from all over the country and also the SAARC nations. अभी हाल ही में भारत के वस्त्र मंत्रालय द्वारा, जिसकी मंत्री है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ने हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना न्यू दिल्ली में करी। इस कॉम्प्लेक्स का नाम दीनदयाल उपाध्याय को मद्देनजर रखते हुए दीनदयाल अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन रखा गया। यह भवन भारत में जितने भी कारीगर है, जितने भी आर्टिसंस है, उन सभी को एक स्टेज प्रदान करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। वो सभी आर्टिसंस जो संपूर्ण भारत एवं सात नेशन से भारत में आते हैं, उन सभी को इस हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट, आप सभी ने IT कंपनी इंफोसिस के बारे में सुना होगा। इंफोसिस ने अभी हाल ही में एक ऐप जारी करी है जिसका नाम है इन्फी टी क्यू। यह ऐप इंफोसिस, जो कि IT कंपनी है, उनके द्वारा जारी करी गई है। यह ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म है उन सभी इंजीनियर्स स्टूडेंट के लिए जो अपने कोर्स के तीसरे या चौथे साल में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये उनके लिए इन्फी TQ नाम से ऐप इंफोसिस, जो कि एक IT कंपनी है, उसने जारी करी है। इस ऐप के माध्यम से सभी इंजीनियर्स को इंडस्ट्री में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंजीनियर बनने के बाद जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग पर भेजती है। वो ट्रेनिंग पीरियड को बचाने के लिए वो सारी एजुकेशन जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जरूरी पता होनी चाहिए, उन सभी की जानकारी अब इन्फी TQ ऐप के माध्यम से फ्री में इन सभी इंजीनियर स्टूडेंट्स को प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, A mega exercise called Exercise Vayu Shakti 2019, which actually involves 140 fighter jets attacking helicopters in a firepower demonstration, was held close
to the border with Pakistan at Pokhran in Rajasthan. भारत में पुलवामा अटैक के बाद भारतीय एयरफोर्स सेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति अभ्यास वायु शक्ति 2019 का आयोजन किया गया. यह अभ्यास इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर राजस्थान पोखरण के पास, इसको आयोजित किया गया. वायु शक्ति के अलावा एक और एक्सरसाइज भारत की सेना आयोजित करती है जिसका नाम है गगन शक्ति. अभी फिलहाल वायु शक्ति अभ्यास को आयोजित किया गया है. यह अभ्यास इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास स्थित पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वह किया गया है. इस अभ्यास में 140 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया जाता है, को किया गया. नेक्स्ट, द रायगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ has won the Swachhata Excellence Award 2019. These awards were given by the Ministry of Housing and Urban Affairs as a part of Shahri Smriddhi Utsav. Shahri Smriddhi Utsav, जिसके बाद हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर में कर चुके हैं, इसी उत्सव से रिलेटेड भारत सरकार का आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छता एक्सलेंस पुरस्कार 2019 जारी किए गए हैं और इस सूची में छत्तीसगढ़ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रथम स्थान पर रही. नेक्स्ट, द फ्लाइंट लेफ्टिनेंट हीना जेसवाल, इट ब्रोक द सीलिंग एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स. इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हीना जेसवाल बनती है. इससे पहले आज तक कोई भी फ्लाइट इंजीनियर कोई महिला नहीं हुई. यह पहली महिला है जो भारत की एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइट इंजीनियर बनती है. द स्वच्छ शक्ति 2019, द स्वच्छ शक्ति 2019, विच इज अ कन्वेंशन ऑफ वुमेन सरपंचेस, इट इज हेल्ड इन कुरुक्षेत्र हरियाणा एंड द कन्वेंशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन in association with the government of Haryana had organized the Swachh Shakti 2019. The Swachh Shakti 2019 showcased the best practices from the grassroots level in rural areas for Swachh Bharat, the achievements of Swachh Bharat Mission and Swachh Sundar Shauchalaya campaign. अभी भारत सरकार के जल एवं स्वच्छता एवं अभी भारत सरकार के जल और स्वच्छता जल मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्वच्छ शक्ति 2019 का आयोजन किया गया. स्वच्छ शक्ति 2019 असल में एक कन्वेंशन है, एक संघ है सभी महिला सरपंचों का, जिसकी मीटिंग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रखी गई. इस मीटिंग का शुभ आरंभ ऑनरेबल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया. स्वच्छ शक्ति 2019 में स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वच्छ सुंदर शौचालय कैंपेन के अंतर्गत जितने भी टारगेट्स और एम्स भारत की सरकार ने दिए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की है कि उनको कितने टाइम में पूरा किया जाएगा. वो सभी जिले, वो सभी राज्य जो उनको पूरा कर चुके हैं, उनके बारे में भी बात करी. नेक्स्ट टॉपिक, द प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन, इट इज अनाउंस्ड इन द इंटरिम बजट ऑफ 2019. इट हैज बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. द PMSYM इज अ वॉलेंटरीली एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम on a 50-50 basis, where the prescribed age-specific contribution, please note down this, where the prescribed age-specific contribution shall be made by the beneficiary and the matching contribution by the central government. The salient features of Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan is given below. Each subscriber under this Yojana will receive a minimum pension of Rs. 3000 per month after attaining the age of 60 years.
प्रधानमंत्री श्रम मानधन, ये ऐसी योजना है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भारत के वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने आंतरिक बजट 2019 को प्रस्तुत करते समय जिक्र किया था। इस योजना को अभी हाल ही में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नोटिफाई किया जा चुका है। यह योजना 50-50 बेसिस पर काम करती है, जिसका मतलब यह है कि किसी भी पेंशन का 50% बेनिफिशियरी और बाकी का 50% केंद्र सरकार देगा। यह पेंशन किसी भी बेनिफिशियरी को 60 साल की उम्र के बाद दिया जाएगा। इस पेंशन योजना में हर एक बेनिफिशियरी को 3000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। आगे बात करेंगे द एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनूप हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर फिक्सेशन ऑफ नेशनल मिनिमम वेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को फिक्स करने के लिए एक समिति को आयोजित किया जाता है। उस समिति ने अभी हाल ही में इस टॉपिक पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट करी है। इस समिति का नाम है डॉक्टर अनूप समिति। डॉक्टर अनूप की चेयरमैनशिप अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाता है। यह समिति पूरे भारत में लागू राष्ट्रीय मिनिमम दैट इज कॉल्ड न्यूनतम मजदूरी दर की बात करती है। अगला, द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड सुशील चंद्र एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए निर्वाचन आयोग के कमिश्नर सुशील चंद्र को भारत के प्रेसिडेंट द्वारा चुना गया है। जिसका मतलब यह है, अगर आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज ऑलवेज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल 324 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के कमिश्नर को चुनने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। यह अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद 324 के तहत प्रेसिडेंट को दिया जाता है। आगे बात करेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर बाय ₹2, जिसके साथ अब इसका रेट ₹31 पर केजी हो जाता है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस मींस द मिल्स कैन नॉट सेल द शुगर इन ओपन मार्केट और टू द होलसेलर्स like beverages or biscuit makers less than the minimum support price। अभी भारत की केंद्र सरकार ने मिनिमम सेलिंग प्राइस चीनी का बढ़ाकर ₹31 कर दिया है, जो इससे पहले ₹29 था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यह है कि अब शुगर मिले किसी भी ओपन मार्केट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम चीनी नहीं बेच पाएंगे, जो कि अब ₹31 फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट, वन डे आफ्टर द पुलवामा टेरर अटैक ऑन 14th February 2019, इंडिया हैज टेकन अ स्टोन स्टेप ऑफ विड्रॉइंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज फ्रॉम पाकिस्तान एंड MFN स्टेटस। इट हेल्प रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स एंड रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स स्पेशली इन कस्टम ड्यूटी। भारत की सरकार ने पुलवामा अटैक जो कि 14 फरवरी 2019 को हुआ, उसके एक दिन बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज छीन लिया है। इस क्लॉज के अंतर्गत यह मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को समझेंगे, यह वह क्लॉज है जो किसी भी दो कंट्री के बीच में साइन होता है और इस क्लॉज की मदद से ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड में आने वाली जितनी भी रुकावटें होती हैं तथा कस्टम ड्यूटी, उन सभी को कम कर दिया जाता है। भारत की सरकार ने अभी हाल ही में 200% कस्टम ड्यूटी सभी इंपोर्ट्स पर लगाई है जो कि पाकिस्तान से इंपोर्ट होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है भारत की सरकार का इस फील्ड में। देखें तो अगर आप जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2018 वॉज पास इन लोकसभा। The features of the bill is that Jallianwala Bagh National Memorial Act of 1951, it provided for the erection of National Memorial. The 1951 Act
also provided for a trust in order to manage the National Memorial. The trust, as per the part of 1951 Act, including the Prime Minister as the Chairman, President of Indian National Congress, the Minister in Culture, Leader of Opposition in Lok Sabha, Governor of Punjab, Chief Minister of Punjab, and three eminent person nominated by Central Government. अभी हमारे भारत की संसद के लोकसभा ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय शहीदी स्मारक संशोधन बिल 2018 को पास कर दिया है. इस बिल में जलियांवाला बाग नेशनल राष्ट्रीय शहीदी स्मारक अधिनियम 1951 की बात होती है, 1951 की, जिसके जरिए जलियांवाला बाग के लिए एक राष्ट्रीय शहीदी स्मारक का निर्माण होना है. 1951 का यह अधिनियम एक ट्रस्ट की बात भी करता है. इस ट्रस्ट में भारत के प्रधानमंत्री, उसके अध्यक्ष, चेयरमैन, दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, मंत्री, संस्कृति के मंत्री, विपक्ष के नेता लोकसभा में, गवर्नर, पंजाब के राज्यपाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होंगे. इन सभी के बावजूद भी तीन प्रख्यात व्यक्ति जिनका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, वह सभी इस ट्रस्ट के मेंबर्स कहलाएंगे. यूनेस्को ऑन फेब्रुअरी 13 सेलिब्रेट्स वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस यूनेस्को द्वारा 13 फरवरी को हर साल मनाया जाएगा. नेक्स्ट, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष श्री श्रीपद येस्सो नायक लॉन्च्ड द ई औषधि पोर्टल फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स. हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मंत्री श्री श्रीपद येस्सो नायक ने अभी ई औषधि पोर्टल का निर्माण किया है, शुभ आरंभ किया है. इस ई औषधि पोर्टल में सभी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से रिलेटेड ड्रग्स का ऑनलाइन लाइसेंसिंग किया जा सके. लास्ट टॉपिक फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का, फरवरी 11th एवरी ईयर नाउ विल बी ऑब्जर्व्ड एज यूनानी डे. एज पार्ट ऑफ यूनानी डे सेलिब्रेशन वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैराथॉन्स, क्विज कॉम्पिटिशन, पब्लिक हेल्थ टॉक्स, डेली हेल्थ टिप्स फॉर जनरल पब्लिक एंड वर्कशॉप्स वर ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री. February 11th marks the birth anniversary of Hakim Ajmal Khan. भारत में 11 फरवरी हर साल अब यूनानी दिवस मनाया जाएगा. यूनानी दिवस जो कि हकीम अजमल खान का बर्थ का वर्ष, उनका जन्म दिवस भी है. 11 फरवरी को पूरे भारत भर में मैराथन, क्विज कॉम्पिटिशन, पब्लिक हेल्थ टॉक्स, डेली हेल्थ ट्रिप्स, इन सभी का आयोजन किया जाएगा. यह सब यूनानी दिवस की सेलिब्रेशन का ही एक पार्ट है. 11 फरवरी हर साल यूनानी दिवस मनाया जाएगा. और इसी के साथ मेरे सभी प्यारे दोस्तों और मेरे सभी प्यारे लिसनर्स, 11 फरवरी तक के करंट अफेयर्स मैं कंपाइल करता हूं. अगर आपको यह वीडियो सही अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना हमारा यूट्यूब चैनल से मत जाइएगा. कोई भी ऐसे कमेंट या कोई भी ऐसा सजेशन जो आप देना चाहते हैं वो जरूर दीजिए.
हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपके सभी कंप्लेंट्स और सजेशंस को सही से कंपाइल कर अगली वीडियो में ऐसी शिकायतें आपको नहीं मिलेंगी। धन्यवाद। मैं दीपक सिंगल यूरेका एकेडमी मुखर्जी नगर से साइन ऑफ करता हूं। आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में देखने को मिलूंगा।